हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी हम सभी की फेवरेट पनीर चीज पेटीज। इसे असेंबल करना बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। पेटीज को बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले ही शेयर कर दी है, तो आज हम इसे असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेटीज ले ली है। आप इस नॉर्मल पेटीज को बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने से ये सौगी जाती है। यदि आप इसे बाहर रख रहे हैं तो 2 से 3 दिन ये चल जाती है, क्योंकि इसके अंदर आलू की स्टफिंग होती है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से खोल लिया है। अब इसे हम असेंबल करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर, और सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर चीज़ मेयोनीज। तो ये चीज़ चिली मेयोनीज है, बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाती है, आप इसे घर में भी बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर से लगा देंगे टमाटर, प्याज, जो भी सब्जियां आपको पसंद हो वो आप इसे डाल सकते हैं इसमें। तो अच्छी तरह से हमने इस पर प्याज और टमाटर डाल दिया है। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि फिर नहीं तो ये खुल जाएगा या फिर नीचे से ये कट भी सकता है। तो प्याज टमाटर हमने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं पनीर। तो पनीर के हमने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। यहाँ पर हम पनीर चीज़ पेटीज बना रहे हैं, इसलिए हमने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सीजलिंग, मिक्स अप्स, ऑरिगेनो, ये सब डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एकदम चीज़ी वाला फ्लेवर दे रहे हैं, तो एकदम मस्त लगनी चाहिए। तो सारी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल देना है। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर टोमेटो सॉस। आप चाहें तो यहाँ पर चिली सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ग्रेटेड किया हुआ चीज़ लिया है, तो इसमें भी अच्छी तरह से हमें चीज़ को रख देना है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा। मार्केट में आपको ये 30 से 40 रुपए में मिल जाती है, और यदि आप इस तरह से पेटीज लाकर और घर में बना लेते हैं तो बहुत ही ईजिली ये बन जाती है घर में। सारी चीज़ें हमने फिल कर ली है। फिर से हमने इसमें पिज़्ज़ा सहब्स और ऑरेगानो चिली फ्लेक्स ले लिया है। अब इसे गर्म कर लेते हैं। तो यदि आपके घर में माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस तरह से कढ़ाई को प्री हीट कर लें 5 मिनट के लिए, कोई भी बर्तन रख के। इसे कढ़ाई से सीधे टच नहीं होने देना है हमें। तो पेटीज को हम रख देते हैं, और जब तक कि हमारी चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम पर हमने इसे अच्छी तरह से, ये देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है और ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो गया है। तो बहुत ही सावधानी से निकालें, क्योंकि ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो जब तक चीज़ मेल्ट ना हो तब तक आप इसे गर्म कर लें। इसी तरह से हमने 2 पेटीज बनाकर तैयार किए हैं। अब इसके ऊपर आप गार्निशिंग कर लीजिए, थोड़ा सा टोमेटो सॉस, थोड़ा सा मेयोनीज, या फिर जो भी आपको इसमें पसंद हो वो आप ऊपर से डाल दें। यकीन मानिए आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है, और बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा स्वाद इसका घर में आता है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर लाकर बनाइएगा, बच्चों की पार्टी में, या फिर कभी भी आपका मन करे तो आप इस तरह से चीज़ पनीर पेटीज बना सकते हैं। ऊपर से भी हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स, मिक्स अप्स डाल देंगे, इसे खाने में और देखने में दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। आप चाहे तो ऊपर से धनिया की पत्ती भी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो झटपट से बनने वाला ये स्नैक्स है, जब भी आपको भूख लगे तो आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। यदि आपको पेटीज बहुत दिनों तक स्टोर करके रखना है तो आप उसके अंदर आलू की स्टफिंग ना लगाएं, तो वो 15 से 20 दिन रह जाएगा। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी चीज़ी पनीर चीज़ पेटीज। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आपको पेटीज का कवर भी बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, और आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।